दोस्तों हमारा घर में या तो वॉल पुट्टी भैया अप्लाई करने से पहले या फिर वॉल पुट्टी अप्लाई करने के बाद जब तक हम लोग वॉल पुट्टी में दोस्तों प्राइमर का यूज़ नहीं करेंगे तब तक भैया हमारा जो वॉल पुट्टी है उसमें दोस्तों अच्छा आपको देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो प्राइमर होता है ना, प्राइमर की बिना दोस्तों वॉल पुट्टी बिल्कुल अधूरा है। यहाँ तक कि हमारा पेंट में भी जब तक हम लोग प्राइमर का यूज़ नहीं करेंगे तब तक भैया जो हमारा पेंट है वो अधूरा लगेगा। तो अब सवाल है कि हमें प्राइमर जब करना ही है तो प्राइमर को दोस्तों कितना कोट करना चाहिए वॉल पुट्टी करने से पहले भी या वॉल पुट्टी अप्लाई करने की बाद भी, क्योंकि दोस्तों लोगों का मन में एक डाउट है कि वॉल पुट्टी भैया अप्लाई करने की बाद हमारा घर तो बिल्कुल भैया सफेदी होता है तो उसमें हमें कितना कोट का दोस्तों प्राइमर का ज़रूरत होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वॉल पुट्टी भैया जब भी हमारा हो जाता है तो वॉल पुट्टी घिसाई करने के बाद उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हमें फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगा जब तक हम लोग उसमें प्राइमर का यूज़ नहीं करेंगे। और आपके लिए जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि अगर दोस्तों आप लोग चाहता है कि भैया हमें वॉल पुट्टी हमारा अप्लाई हो चुका है अभी हमें प्राइमर करना है, तो मेरे भाई आप लोग एक कोट प्राइमर अप्लाई करने से भी आपका काम चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों लोगों का पास उतना बजट अगर नहीं होता है तो भैया लोग सोचेगा कि भैया क्या दो कोट प्राइमर लगाना ज़रूरी है क्या, क्योंकि वॉल पुट्टी हो जाने के बाद हमें क्या दो कोट प्राइमर करना है, नहीं तो हमारा नहीं चलेगा। इतना नहीं है मेरे दोस्त, अगर आप लोग चाहे तो वॉल पुट्टी अप्लाई करने के बाद आप लोग एक कोट भी अगर मतलब प्राइमर का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों वॉल पुट्टी अप्लाई हो जाने के बाद उसमें अच्छा घिसाई करने के बाद आप लोग एक लीटर से दोस्तों आपका 200 स्क्वायर फीट वॉल कवरेज हो जाएगा। इसलिए वॉल